गाइस तो हमारी ट्रेन आ गई है और फिर से अभी हम लोग अब घर लौट रहे हैं और ये हकीकत है। नेहा सोच रही है कि मजाक तो नहीं है, सही में हकीकत है। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी आपको हम लोग कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सकते हैं हमारे बेड पे सिर्फ बैग ही बैग है, एक बैग, दो बैग, तीन बैग और वो चौथा बैग। और ये पैकिंग हो रहा है हमारा बैग, मतलब हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं नेहा? तो अचानक से जल्दी से हम लोग को पटना निकलना पड़ रहा है, जो कि हम लोग सुबह निकलेंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। और पैकिंग चल रहा है इसलिए हमारे वहाँ पे छोटा वाला टीवी था उसको भी ढक दिया गया है ताकि हम लोग जाएँ तो गंदा ना हो। और अभी क्या कर रही हो तुम? अभी हम पैकिंग कर रहे हैं। वो क्या रखा है? चॉकलेट? वो रख लो, रास्ते में काम देगा। वैसे तो खाती नहीं है अब। और वो मेरा डॉक्टर का वो है, रिसिप्ट है, सारा उसी बैग में रहेगा नेहा का। और मेरा बैग भी पैक हो गया है और इसमें हम अपना कपड़ा और ये सबसे ज़्यादा वजन, ये इंडक्शन या लैपटॉप रखने वाला सेक्शन है सबसे नीचे, और इसमें हम लोग रख रहे हैं इंडक्शन। किसके लिए हम लोग रख रहे हैं ये इंडक्शन? मिस क्यारा के लिए, क्योंकि इसको खाना बनाने में हम लोग को कहीं भी, चाहे होटल ले, चाहे दीदी के यहाँ जाए, होटल ले, चाहे कहीं भी जाए, इंडक्शन पे आराम से इसका खाना, ओट्स या एप्पल बॉइल्ड, सारा चीज़ हो जाता है ना क्यारा? हाँ। गई तुमको हेल्प कर। ओह सिट क्यारा, अभी नहीं बेटा, लाओ दे दो पापा, फ्रिज में रख देंगे, गल गया, दे दो तो बेटा, दे दो तो। अरे वाह, वो भी दो, उन्हें दोगी बेटा? अभी रात हो रहा है, अभी नहीं खाते हैं। तो अभी मेरा पैकिंग हो गया है सारा, हम अपना सारा जो भी, हाँ लाओ रख ले, थैंक यू। और तो अभी हम जितना भी था सारा सामान रख लिए हैं, पावर बैंक, कपड़ा और ये इंडक्शन वगैरह। अब नेहा का पैकिंग अभी चल रहा है फ़िलहाल। और नेहा भी, हाँ वही नेहा और क्यारा दोनों का अभी चल रहा है, जो कि अब नेहा स्टार्ट करने वाली है, अपना बैग में सारा सामान रख रही है। तो अचानक से हम लोग को जल्दी से निकलना पड़ रहा है इसलिए हम लोग इतने रात को ही आज वीडियो मतलब स्टार्ट कर दिए हैं। तो ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, अभी आपको बताएंगे सारा चीज़ हम लोग। एक्चुअली में बात है कि हम लोग कल के लिए ही जा रहे हैं, मे बी कल शाम को लौट जाए, और नहीं तो फिर उसके बाद तो कल का प्रोग्राम कल ही पता चलेगा कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है। तो इसके लिए बस एक मतलब क्यारा के लिए दो चार कपड़ा रख रही है ना? क्यारा का ही नाम हम लोग का सबसे ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। हाँ तो क्यारा का होता, क्योंकि ये बच्चा है ना, कभी पानी गिराती है, कभी खाना गिराती है, कभी चॉकलेट गिराती है ना क्यारा, तो इसलिए क्यारा का। हम तो अपना बस एक सेट ही रखे हैं और एक नाइट ड्रेस वाला रखे हैं, और नेहा भी लगता है बहुत कम ही रख रही है, एक ही सेट रख रही है बस, एक एक्स्ट्रा भी रख लो। वैसे तो कल शाम वाली ट्रेन अगर पकड़ी गई तो हम लोग के तो उधर से आ जाएंगे उसी ट्रेन से, और नहीं लौट सके तो फिर परसों। जैसे पटना में बहुत सारा चीज़ भी, नया नया चीज़ खुला है, हम लोग घूम सकते हैं अगर टाइम मिला तो। जैसे क्या? इस्कॉन टेम्पल, जो मतलब दिल्ली, हाँ हम लोग के फैमिली में सब घूम लिया है, मतलब मेरी दीदी लोग, भाई लोग और नेहा के भी भाई लोग सब घूम, और इसकी बहन भी घूम चुकी है तन्नू, तो सब कोई घूम चुका है, बस हम ही लोग मतलब इस पटना के इतना पास हो करके भी नहीं घूम सके हैं। तो टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि कल जहाँ जा रहे हैं वो कल ही आपको बताएंगे। और क्या मिस क्यारा, पैकिंग हो गया तुम्हारा? हाँ। चली, चलो जाओ। कहाँ से जाओगी, किधर से जाओगी? उधर से। और कहाँ जाओगी? नानी घर जाओगी। वाह 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 वाह, इसको बस एक ही चीज़ पता है, नानी घर, क्योंकि बस नानी घर जाती है। नानी घर जा रही है, जाओ बाय बाय। हाँ वो भी सही है, गर्मी ज़्यादा हुआ तो वो यूज करना, नहीं तो एक दो सेफ्टी के लिए उसका हाफ बाजू वाला भी रख लो। बाय बेटा बाय। क्यारा तो चल गई, हाँ ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी हुआ तो पहना देना। बाय 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 बाय। अच्छा लग रहा, और कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। गाइस तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पे हैं और ये हम अपने घर के रेलवे स्टेशन में नहीं आए, क्योंकि हम सुबह निकले थे घर से, लेकिन अचानक से कॉल आया जहाँ हम लोग जा रहे थे कि आज नहीं आइए, कल आइए, मतलब सैटरडे को आइए।
तो अब हम लोग बीच में इस ट्रेन से उतरे हैं अचानक से, मतलब नाटक लग रहा होगा लेकिन पोपट हो गया हम लोग के साथ। और फिर से अब हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं, तो दिखाते हैं नेहा और क्यारा को। तो देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ जा रही हो? पटना। लौटना पड़ रहा है अभी हम लोग को, तो बहुत अफसोस की बात है। कोई बात नहीं, चलिए कल फिर दिखाएंगे। अभी पहले सबसे पहले तो घर पहुंच के दिखाएंगे हम लोग कि घर ही लौट रहे हैं, घर से निकले और घर ही जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ ना? सुबह उठ जाना, पूरा स्टोरी बताएंगे घर जाके। आज पोपट हुआ है फुल्ली हम लोग का, अभी नहीं बता पा रहे लेकिन घर जाके जरूर बताएंगे, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। तो हमारी ट्रेन आ गई है और फिर से अभी हम लोग अब घर लौट रहे हैं, और ये हकीकत है। नेहा सोच रही है कि मजाक तो नहीं है, सही में हकीकत है। ए गाइस, तो इस स्टेशन से ट्रेन खुल गई है और नेहा अंदर बैठी हुई है, चलते हैं नेहा के पास। वो हो गया पोपट। क्या रहा, गर्मी लग रहा है? नहीं, ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है इसका। चलो घर, हम बैठते हैं वहां। हे गाइस, तो अभी हम लोग पुनः से अपने गंतव्य जगह लखीसराय रेलवे जंक्शन पहुंच चुके हैं। ना नहीं, हाँ सामान ढो रही है बिना मतलब वाला। क्या रहा, हेलो करो। मजा आया? हाँ, वो तो मजा ले रही है। चलो तो अब घर फिर, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा घर के सिवा हम लोग के पास ना। तो ऑफिस अटेंड कर लेंगे और कल जाएंगे फिर पटना। हाँ ये फैमिली, तो हम लोग घर आ गए। आज तो बहुत नाटक हो गया सुबह से, मतलब हम लोग 4 बजे उठे, 4 बजे 5 बजे ट्रेन था वो पकड़ने वाले थे, तो वो भी ट्रेन नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे ट्रेन था, तो वो भी ट्रेन बस 10 मिनट के लिए छूट गया। उसके बाद एट लास्ट जाके हम लोग स्टेशन पे बैठे रहे 7:30 बजे, और फिर 8:30 बजे एक ट्रेन मतलब इंटरसिटी आया, उससे हम लोग जाने वाले थे पटना। और आधा दूर तो हम लोग पहुंच भी गए थे मोकामा तक, और फिर वहां पे फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि अभी हम लोग नहीं आए क्योंकि डॉक्टर जो चेकअप कराने वाले हैं, मतलब चेकअप करने वाले हैं, मतलब जो रिपोर्ट देखने वाले हैं, वो अभी आज नहीं आए हैं, कल आए हैं, कल आएंगे मतलब सैटरडे को। तो हम लोग फिर से घर वापस आए दूसरे ट्रेन से पकड़ के धनबाद इंटरसिटी से, और फिर हम लोग सुबह निकलना है। तो सुबह इस बार हम लोगों को कोई भी कीमत पे ट्रेन पकड़ना होगा, मतलब 4 बजे उठ के 5 बजे हम लोगों को ट्रेन पकड़ना होगा। थोड़ा सा 11 की वजह से हम लेट हो जाते हैं सब कुछ में, क्योंकि उसका सारा खाना हमको पहले से तैयार करके ले जाना पड़ता है। और अभी हम जैसे आए, मतलब अभी 10 मिनट आए हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। 15 मिनट हो गया है, मेरा चावल बन गया है, यहाँ दाल भी बन गया है और चोखा भी बन गया है, और क्यारा का चावल चढ़ा हुआ है यहाँ पे, और क्यारा का दूध भी चढ़ा हुआ है। ये लेके गए थे इस डिब्बा में, और इंडक्शन लेके गए थे, लेके जा रहे थे कि वहाँ पे क्यारा को दूध रोटी या फिर कुछ इस टाइप से खिला दें, क्योंकि बच्चा होने के बाद तो ये सब हमेशा कैरी करना ही पड़ता है चाहे कोई भी हो। तो आते ही क्यारा का एक खिलौना, मतलब कि बहुत अच्छा खिलौना, मतलब देखे थे YouTube पे, बहुत सर्च करके मंगवाए हैं पढ़ने वाला। तो ये देखिए अभी क्यारा पढ़ भी रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला बुक। ये जिस पे क्लिक कर रही है उसका आवाज आ रहा है सी डी। अच्छा लग रहा है क्यारा? क्यारा क्यारा
क्या रहा, इधर देखो इधर देखो, क्या रहा, पढ़ने में बिजी है। अच्छा पोयम बजा दो तो क्या रहा, पोयम पोयम भी इसमें आता है। और आप लोग भी अपने बच्चे के लिए ये वाला ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके फिंगर दिया है और वॉल्यूम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। और इसमें 15 पोयम भी दिया हुआ है और भी बहुत कुछ है इसमें। पार्सल आया है, ये हम अपने लिए मंगवाए हैं, बहुत ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम दाम का है, ये 200-300 का भी नहीं है, 299 का है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खा के उसके बाद खोल के दिखाएंगे। और ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए, बोले नहीं पोपट हो गया। बता दिए कहानी तो ये पता नहीं, अब ये लोग कमेंट्स में और ऑफिस जाएंगे तो ये तो बोल रहे हैं अभी हम ऑफिस जाएंगे क्योंकि एक गैप नहीं होना चाहिए, मतलब लीव अब कल का नहीं लिए थे, आज का लिए थे, अब कल का लेना होगा, तो इसलिए आज चले जा रहे हैं। तो अभी चलिए जल्दी जल्दी आपको खाना दे देते हैं। और क्यारा को भी कुछ नहीं खाई, ये इसका पेन है, इसका गिरा दे रही, ये इसी में लगता है और इससे ही ऑपरेट होता है। हम एक है मतलब बैग मंगवाए हैं, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और कैसा है अंदर पता नहीं, ये फ्लिपकार्ट से आया है। और चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यही वो बैग है जो कि बहुत ज़्यादा हमको सुंदर लगा, बहुत अच्छा है और जितना सोचे भी नहीं थे कि अच्छा निकलेगा, क्योंकि बहुत कम दाम का है, 299, फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं और मतलब बहुत अच्छा लगा हमको ये बैग। ऐसे ही कुछ कुछ खाना पीना क्यारा का कैरी करने में दिक्कत होता था और हमको हैंड बैग यूज़ करने का मतलब उतना हैबिट नहीं है कि हैंड बैग, हम तो ये बैग मंगवा लिए, हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये बैग कमेंट्स में बताइए। और ये देखिए इसमें एक रिंग भी मिला है और एक रिंग हम भी मंगवा लिए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, अभी आया नहीं है, आने वाला है। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये बैग, आप लोग भी बताइए कैसा लगा। क्यारा हथियार लिए और बोल रही है वीडियो बनाओ ना मम्मी, क्या बोल रही है क्यारा, पीछे से दिखाओ, वाह गुड। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, oh, oh.